फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो पंचायत चुनाव 2021 के महत्वपूर्ण निर्देश से संबंधित है। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि पंचायत चुनाव में जो नए निर्देश आए हैं, उसमें कहा गया है पोलिंग पार्टी में अब महिला कार्मिक की अनिवार्यता हटा दी गई है और वरिष्ठता के आधार पर लेगी कर्मचारियों की ड्यूटी, सॉफ्टवेयर से होगी नियुक्ति। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पंचायत चुनाव 2021 के विषय में कौन कौन से निर्देश कार्मिकों के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है महिला कार्मिकों और BLO की भी लगेगी ड्यूटी, दूसरे जनपद में भी करनी पड़ सकती है ड्यूटी। तो साथियों, ये तो जो खबर है बहुत डरावनी खबर लग रही है मुझे कि दूसरे जनपद में भी करनी पड़ सकती है ड्यूटी। और नंबर 3 पर ऐसे पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक जरूरी नहीं, पूरे जनपद में एक दिन ही होगा चुनाव। चलिए खबर विस्तार से देखते हैं हम। लखनऊ पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान दलों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने में वरिष्ठता का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार को जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी को उनके ग्रेड पे के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। किसी भी अधिकारी को उनसे निम्न पद के कार्मिक के अधीन ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। वहीं इस बार पंचायत चुनाव में मतदान दलों के लिए कर्मचारियों का आकलन मतदान दलों की संख्या से 20% अधिक के आधार पर किया जाएगा। पहले मतदान दलों की संख्या से 30% अधिक के आधार पर मतदान दलों के कर्मचारियों का आकलन किया जाता था। इस बार पंचायत चुनाव में जिले में मतदान दलों में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर ESD सॉफ्टवेयर में प्री एनालिसिस टूल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें तैनाती के ग्रेड पे की रेंज चुनकर पोलिंग पार्टी में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का सटीक आकलन किया जाएगा। कर्मचारियों को उनके जिले में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण एक ही बार में पहले चरण के मतदान से पहले ही कराया जाएगा। पोलिंग पार्टी को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 पीठासीन अधिकारी, ग्रेड पे 4600 से लेकर 5400 तक के जो कर्मचारी हैं वो पीठासीन अधिकारी बनाए जाएंगे और ग्रेड पे 1900 से लेकर 4200 तक के कर्मचारी मतदान अधिकारी बनाए जाएंगे और जो ग्रेड पे 1800 तक के कर्मचारी हैं उन्हें मतदान अधिकारी द्वितीय एवं संविदा जो कर्मचारी हैं वो मतदान अधिकारी द्वितीय बनाए जाएंगे। BLO नहीं लगाए जाएंगे। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को मतदान दल में ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आयोग ने मतदान दल में एक या एक से अधिक संविदा कर्मचारी को भी रखने की छूट दी है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। प्रत्येक मंडल में एक चरण में एक ही जिले में चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को प्रत्येक जिले के सभी विकास खंडों में एक ही चरण में पंचायत चुनाव कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी मंडल में जिलों की संख्या 4 से अधिक है तो वहां पर किसी एक चरण में 2 जिलों में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। वहीं इस बार पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 3 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी विकास खंडों में एक साथ चुनाव कराने से मतदान दलों के लिए कर्मचारियों अधिकारियों की आवश्यकता को मंडल के दूसरे जिले से पूरा किया जाएगा। एक मंडल के जिलों में कर्मचारियों को एक से दूसरे जिले में उपलब्ध कराने का निर्णय मंडल आयुक्त करेंगे। इस बार एक ही मतपेटी में डाले जाएंगे सभी मतपत्र। ये खबर अच्छी है कि इस बार एक ही मतपेटी में डाले जाएंगे सभी मतपत्र। पंचायत चुनाव में इस बार प्रत्येक मतदान स्थल पर 3 की जगह 2 मतपेटी रखी जाएंगी। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर संबंधित मतदान स्थल पर 3 मतपेटियां रखी जाएंगी।
एक ही मतपेटी में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के मतपत्रों को डाला जाएगा। पहली मतपेटी भरने के बाद दूसरी का उपयोग किया जाएगा। तीसरी मतपेटी की आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित मतदान स्थल पर तीसरी मतपेटी उपलब्ध कराएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट को मतदान के दिन मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान अपने वाहन में पर्याप्त अतिरिक्त मतपेटी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। मतदान दल पर रखा जाएगा वरिष्ठता का ध्यान। निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान दलों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने में वरिष्ठता का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी को उनके ग्रेड पे के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। किसी भी अधिकारी को उनसे निम्न पद के कार्मिक के अधीन ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। वहीं इस बार पंचायत चुनाव में मतदान दलों के लिए कर्मचारियों का आकलन मतदान दलों की संख्या से 20% अधिक के आधार पर किया जाएगा। पहले मतदान दलों की संख्या से 30% अधिक के आधार पर मतदान दलों के कर्मचारियों का आकलन किया जाता था। सॉफ्टवेयर से होगी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी की नियुक्ति। जिले में मतदान दलों में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर ESD सॉफ्टवेयर में प्री एनालिसिस टूल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ग्रेड पे की रेंज चुनकर पोलिंग पार्टी में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का सटीक आकलन किया जाएगा। मतदान कर्मचारियों को उनके जिले में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण एक ही बार में पहले चरण के मतदान से पहले ही कराना है। पोलिंग पार्टी में अब महिला कार्मिक की अनिवार्यता हटी। चुनाव आयोग ने प्रत्येक मतदान दल में महिला कर्मचारी की अनिवार्यता को हटा दिया है। अभी तक हर पोलिंग पार्टी में एक महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य था, वहीं किसी दल में एक से अधिक महिलाएं भी हो सकती हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आप ये जो आदेश है 15 मार्च को निर्गत किया था, इसको आप पूरा पढ़ सकती हैं। साथियों, इस आदेश की PDF का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, और इसका प्रिंटआउट निकलवा कर भी आप अपने पास रख सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। साथियों, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।